नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कल हमने आपको आंखों से फड़कने से रिलेटेड बहुत सारी रोचक जानकारियां दी थी, इसी कड़ी में आज भी हम आपको कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी प्राचीन मान्यताएं हैं जिसे कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग उस पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास भी करते हैं। अब इन्हीं मान्यताओं को सामुद्रिक शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं मान्यताओं में से एक है हमारी आंखों का फड़कना। जी हाँ, आंख के फड़कने को लेकर इसे शगुन और अपशगुन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण होते हैं। जी हाँ, पुरुषों में दाहिनी आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी दाहिनी आंख फड़क रही है तो कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। वहीं पुरुषों में बाईं आंख का फड़कना शुभ नहीं माना जाता है, मतलब साफ है कि अगर बाईं आंख फड़क रही है तो बुरा होने वाला है। वहीं महिलाओं के लिए कहा जाता है कि अगर बाईं आंख फड़क रही है तो अच्छा होता है और अगर दाहिनी आंख फड़क रही है तो बुरा होने वाला है। कभी कभी लोगों के एक साथ दोनों आंखें फड़कने लगती हैं। ऐसे में एक साथ दोनों आंखें फड़कने को लेकर लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति या पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है चलिए बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा आंखों पर स्ट्रेस देते हैं या आपकी नींद या आपकी कोई भी समस्या होती है जो दिमाग में टेंशन पैदा करती है, या फिर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो तो उस वजह से आपकी आंख फड़कने लगती है। इसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में दिक्कत होती है, यही वजह बनती है आपकी आंखों के फड़कने की, और आपकी आंखें परेशान होने लगती हैं और आंखें फड़कने लगती हैं। चलिए अब बताते हैं कि आखिर आंखें कितने तरीके से फड़क सकती हैं। आंखें फड़कने के तीन मेन तरीके हो सकते हैं। जी हाँ, एक तो मायोकीमिया और एक होता है ब्लेफरोस्पाज़, साथ ही साथ हेमिफेशियल एटनबी। अब ये इस तरीके से आंखें कैसे फड़कती हैं वो भी समझाते हैं। मायोकीमिया में आंख फड़कने का ये सबसे आम प्रकार है। जी हाँ, यानी कि मायोकीमिया सबसे कॉमन प्रकार है जिसमें आंख फड़कने की समस्या एक या दोनों आंखों की पलकों में हो सकती है और आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाती है। वहीं ब्लेफरोस्पाज़ में आंख फड़कने का दूसरा प्रकार है जिसमें आपकी दोनों आंखों में ऐठन और फड़कने की समस्या होने लगती है। इस समस्या के दौरान आपकी पलकें पूरी तरीके से बंद हो सकती हैं। वहीं आंखों का फड़कना हेमिफेशियल भी हो सकता है। जी हाँ, जब आंखों के साथ आपके चेहरे की मांसपेशियां भी फड़कने लगे तो उस तरीके से हेमिफेशियल रूप में भी आपकी आंखें फड़क सकती हैं। जी हाँ, तो ये कुछ रोचक तथ्य थे आंखों के फड़कने को लेकर जो आज हम आपके सामने लेकर आए। आंखों का फड़कना जितना धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है उतना ही वैज्ञानिक भी है। जी हाँ, भारत में लोग जरूर मानते हैं कि आंखों के फड़कने के पीछे का रीजन कोई धार्मिक हो सकता है या फिर अपशगुन और शगुन से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन विज्ञान ये नहीं कहती। विज्ञान यही कहती है कि आंखों के पीछे फड़कने का रीजन केवल साइंस का लोचा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।